टुडे इन द क्लास ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वी स्टडी अबाउट द पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द प्रैक्टिस। हाउ मेनी पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर देयर इन द वर्ल्ड, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन प्रैक्टिस, पेटेंट्स कवर द डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट फील्ड, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई the same to enable the easy access and identification. Attempts to prevent drowning in the flood of the patent literature by designing a classification system started over 100 years ago. The growth of the files of the patent specification led the patent offices to develop classification of their own. The primary purpose of the classification system is to facilitate searching and retrieving of the patent documents by the patent offices and other users. है ना, प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम वो सर्चिंग में आपको काम आता है, रिट्राइविंग में काम आता है, जिससे कि पेटेंट ऑफिस में वो आपको सर्च में काम आए। वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट एंड मोस्ट हैव बीन डिजाइंड सो दैट द ईच टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन टू विच इज ए पेटेंट डॉक्यूमेंट रिलेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए होल। है ना, तो पूरा पेटेंट डॉक्यूमेंट जो है कौन सा क्लासिफिकेशन में दिया जा सके, इसके बारे में आपको वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ए पेटेंट डॉक्यूमेंट में कंटेन सेवरल टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इन्वेंशन। ए पेटेंट डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेंशन होते हैं एंड देयरफॉर अलॉटेड टू द सेवरल क्लासिफिकेशन सिंबल्स, इसीलिए उनको सेवरल क्लासिफिकेशन सिंबल में रखा जाता है। देयर आर फ्यू कंट्री यूजिंग देयर वन क्लासिफिकेशन सिस्टम। कुछ कंट्री हैं जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम रखे हैं और दे आर पॉपुलरली यूज्ड एनीवेयर इंक्लूडिंग द सर्चिंग ऑफ द डाटाबेस फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम डाटाबेस को गैदर करने के लिए यूज किया जाता है। पैटर्न क्लासिफिकेशन हैज गॉट इंपॉर्टेंस इन द पैटर्न सिस्टम। पेटेंट क्लासिफिकेशन का पेटेंट सिस्टम में आपको इंपोर्टेंस है। द मेन सिस्टम यूजेज यूनिवर्सली द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन को मेनली एक यूनिवर्सली यूज किया जाता है एंड फ्यू अदर यूएस पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर देयर एंड इंडियन पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज देयर। द मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, तो ये आपका एक तो पहला है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, इसमें कि पेटेंट को क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुप किया जाता है। दूसरा है यूरोपियन पेटेंट क्लासिफिकेशन ECLA। तीसरा है यूनाइटेड स्टेट पेटेंट क्लासिफिकेशन UCPC। चौथा है इंडियन पेटेंट क्लासिफिकेशन एंड पांचवा है DWPI क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, तो DDI। एंड छठा है कैनेडियन पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। सातवां है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज। ये सात तरह के पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है और ये वर्ल्ड सात तरह के पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम वर्ल्ड में आपको यूज किए जाते हैं, है ना। तो पहला है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन। The International Patent Classification established by the Strasbourg Agreement 1971, providing for a hierarchical system of language, independent symbol for the classification of the patent and utility models. जो patent classification को एक independent symbol देने के लिए use किया गया, utility models वो देने के लिए use किया गया, and according to different areas of technology to which the patent, जिस एरिया का वो टेक्नोलॉजी है उसी एरिया का उसको क्लासिफिकेशन किया गया। मेनी पेटेंट ऑथोरिटी यूज टू क्लासिफाई एंड द इंडेक्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द वाज पब्लिश्ड पेटेंट लिटरेचर करंटली यूज बाय द IPC सिस्टम, है ना। तो मेनी पेटेंट ऑथोरिटी ने इसको क्लासिफाई किया है, इंडेक्स किया है सब्जेक्ट को और पब्लिश किया है पेटेंट लिटरेचर को। IPC is published and monitored by WIPO and first published in 1968. IPC जो है published हुआ और monitor किया जाता है WIPO के द्वारा और
बार पब्लिश हुआ 1968 में। इट इज ए सोल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड बाय द कनाडा यूरोपियन पेटेंट ऑफिस एंड 80 अदर कंट्री इंक्लूडिंग यूएस। ये जो है आपको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि कनाडा में यूज किया जाता है, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में यूज किया जाता है और 80 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस एंड यूएस यूज द आईपीसी कोड टू क्लासिफाई द सेकेंडरी कोड ऑफ द यूएस क्लासिफिकेशन प्राइमरी कोड वहां यूज किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको कनाडा में यूज किया जाता है, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस यूज करता है, 80 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस इसको यूज करता है। आईपीसी इज हाईली एप्लीकेशन ओरिएंटेड सिस्टम ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ एप्लीकेशन टाइप प्लेसेस इन द शेड्यूल्स, है ना। द करंट वर्जन ऑफ द आईपीसी जो कि 7th वर्जन है डिवाइड टेक्नोलॉजी इनटू 8 मेन सेक्शंस, 8 मेन सेक्शन में आपको डिवाइड करता है, 118 क्लासेस में डिवाइड करता है, 624 सब क्लासेस में डिवाइड करता है और ओवर 67,000 सब ग्रुप्स में डिवाइड करता है। द वर्जन अनुसार आर आईपीसी आर अमेंडेड इन एवरी 5 इयर्स बाय एन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ आईपीसी इज अवेलेबल अपन सोर्स ऑन द इंटरनेट, है ना। ये आपका विपो का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें आपको इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको मिल जाएगा एंड ऑन द सीडी रोम एज वेल एज हार्ड कॉपी ऑन पेमेंट। द आईपीसी यूज्ड फॉर सर्चिंग द डेटाबेसेस, हेंस दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एसेस पॉइंट फॉर द सर्चर। ये आपको बहुत वेरी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्चर के लिए, किसी भी चीज को सर्च करना है, क्लासीफाई करना है तो आपको आईपीसी में जाना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पर आपको इंटरनेट पे आपको ये आपको दिया हुआ है www.wiponet.int क्लासिफिकेशन फुल टेक्स्ट न्यू आईपीसी इंडेक्स आईएसटीएम। यहाँ पर आपको सीडी रोम में मिल जाएगा, हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगा, पेमेंट करने पे मिल जाएगा। ये सारे डाटाबेसेस हैं जहाँ पर कि सारे वर्ल्ड के पेटेंट का डाटाबेस वहां पे आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम करके वो रखा गया है। For the first 7 edition of the IPC, the classification was updated approximately every 5 years. Every 5 years जो है classification को update किया जाता है, जिससे कुछ छूट नहीं जाए। From the 8th edition, which came into force in the January 2006, the classification has been divided into core and advanced level. Core और advanced level में divide किया गया है। The core level is to be updated on a 3 yearly basis. The advanced level provides more detailed classification in updated more frequently every 3 months to suit the new subject coverage. At present, 209 edition is available on the internet. The detailed classification code is available on internet on the following links of the http www.wipo.international.classification. Is pe aapko available hai in the IPC system. The intellectual property is divided into eight key or main areas. They are as under: number A, human necessity; B, performing operation; transport; C, chemistry metallurgy; D, textile and paper technology; E, fixed construction; F, mechanical and lighting; G, physics, heating and weapons; H is the electricity. Among these main sections, the subjects are divided into subgroups. These methods help to classify the research disclosure into proper technological or research area in deep or minute level. Each classification term consists of a symbol such as A01B100, which represents subject hand tools. The first letter is the section symbol consisting of the letter from A is the human necessity, H is the electricity. This is followed by a 2-digit number to give a class symbol. A01 represents agriculture, forestry, animal husbandry, trapping and fishing. The final letter makes up the subclass. A01B represents the soil working in agriculture or forestry, parts, details or accessories of agriculture machines or implements in the general. So, ye symbol de diya jata hai is classification se symbol se. वो आपको क्लियर हो जाता है कि किस क्लास का है, किस कैटेगरी का है, ये आपको क्लियर हो जाता है।
द सब क्लास इज देन फॉलोड बाय 1-3 डिजिट ग्रुप नंबर ऑन ऑब्लिक स्ट्रोक एंड नंबर ऑफ एटलीस्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंटिंग ए मेन ग्रुप और द सब ग्रुप. ए पेटेंट एग्जामिनर असाइंस ए क्लासिफिकेशन टू पेटेंट एप्लीकेशन और अदर डॉक्यूमेंट एट मोस्ट डिटेल लेवल विच इज अप्लीकेबल टू इट्स कॉन्टेंट. तो पेटेंट एग्जामिनर जो है एक सिंबल असाइन करता है पेटेंट को, तो वो इसी क्लासिफिकेशन बेस सिस्टम पे वो असाइन करता है. तो ये आपको पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना. तो इसमें आपको दिखाया गया है कि ये आपको 8 मेन सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 118 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 624 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है और 60,000 ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ना. तो पेटेंट का क्लासिफिकेशन इसी तरह होता है. दूसरा है यूरोपियन पेटेंट क्लासिफिकेशन ECLA. द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस यूजेज ECLA फॉर इट्स इंटरनल कलेक्शन ऑफ सर्च डॉक्यूमेंटेशन, है ना. ये आपको यूरोपियन क्लासिफिकेशन का देता है. ECLA क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ए एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक्सटेंशन है. इट कंसिस्ट 1,35,600 सब डिवीजन आई अबाउट 6,000 मोर देन IPC. IPC से ज्यादा भी जो है इसमें पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है एंड इज देयरफॉर मोर प्रिसाइज और इसीलिए यह ज्यादा एक्यूरेट है. इट इज ऑल्सो मोर होमोजीनियस डिटेल्ड एंड मोर सिस्टमेटिक लाइक इंडियन इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन. ये इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन से ज्यादा होमोजीनियस है, डिटेल्ड है और मोर सिस्टमेटिक है. ECLA क्लासिफिकेशन आर असाइन टू पेटेंट डॉक्यूमेंट बाय द EPO एग्जामिनर इन ऑर्डर टू फैसिलेट पीरियड टू आर सर्चेज. ECLA इज रिवाइज्ड कंटिन्यूसली एंड द करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट इज रीक्लासिफाइड. तो पेटेंट का क्लासिफिकेशन होता है, पेटेंट को क्लासिफिकेशन के लिए क्लास ये आपको अपनाया जाता है कि किस क्लास में पेटेंट को रखा जाए और तो उसी के बारे में डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये आपको बताया जा रहा है. ECLA क्लासिफिकेशन सैम्बल इज मेड ऑफ द लेटर डिनोटिंग इन एग्जिस्टिंग IPC क्लास. ये IPC के एग्जिस्टिंग क्लास पे सैम्बल पे ही बेस्ड है, फॉलोड बाय नंबर 2 डिजिट डिनोटिंग द IPC सेक्शन लेवल B65. Optionally, the classification can be followed by sequence of letter B65D, denoting the IPC subclass level, a number, a variable, 1-3 digit, e.g. B65D81, denoting the IPC group level, a forward slash, and a number, a variable, 1-3 digit, denoting the IPC subgroup for full classification. Optionally, the classification can be followed by a ECL. A subgroup represented by a letter, which can also be followed by a digit and a letter. B65D81/00B1B or A23B400-5F4. The classification system is used to classify patents on ESP sent and search information on ESP sent database by adding the term in EC classification field. Around 28 million documents can be searched on ESP ERNET using ECLA samples. 28 million search kiya ja sakta hai. Sometimes dating back to 1836, depending on the country of the origin, ECLA is available online as well in hard copy. Ye online bhi available hai aur hard copy mein available hai. To ye aapko patent classification system hai. European ka ye tha European classification system, European patent classification system tha, jo ki aapko Indian patent classification ka, international patent classification ka extension tha. तीसरा है यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट क्लासिफिकेशन. USPC इज ए नेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम मैनेज्ड बाय द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. ये US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस द्वारा ये आपको मैनेज किया जाता है. इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज गिवन बाय द US पेटेंट सिस्टम एंड हैज मेनी सिमिलरिटी विद द कनाडियन पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसमें कनाडियन पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा आपको सिमिलरिटी इसमें दिखाया गया है. इट इज द बेस्ट सिस्टम टू सर्च द US पैटर्न. US पैटर्न को यहाँ पर सर्च करना सबसे आसान है.
तो कोई भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं, किसी पेटेंट के बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो आपको यूएसपीसी से आपको सर्च हो जाएगा। यूएसपीटीओ एग्जामिनर्स यूज यूएस क्लासिफिकेशन सिस्टम एज ए प्राइमरी क्लासिफिकेशन टूल, है ना। यूएसपीटीओ एग्जामिनर कोई भी है तो यूएस क्लासिफिकेशन सिस्टम को एज ए प्राइमरी क्लासिफिकेशन टूल मानता है और वहीं पे सर्च करके देखता है कि आपका दूसरा से किसी से मैच तो नहीं कर रहा। द सिस्टम इज यूज फॉर सब्जेक्ट सर्च फॉर यूएस पैटर्न डेटिंग बैक टू 1790। द यूएस क्लासिफिकेशन इज ओनली अप्लाई टू द यूएस पैटर्न स्पेसिफिकेशन एंड कैन नॉट बी यूज टू कंडक्ट एन इंटरनेशनल सर्च, है ना। तो ये इंटरनेशनल सर्च के लिए यूज नहीं होगा। द सिस्टम इज यूज टू सर्च ऑन डाटा बेसिस विच आर डेडिकेटेड टू यूएस पैटर्न एंड सम फ्री सर्चेज ऑन द इंटरनेट। द मैनुअल इज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल इन प्रिंट फॉर्म। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन कैटेगरीज केमिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड फ्रॉम अबाउट 400 क्लासेस विच आर डिवाइडेड इंटू 1 to 5 इंडिविजुअल सब क्लासेस। देयर आर ओवर 400 क्लासेस इन द यूएस पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम ईच हैविंग ए लिटिल डिस्क्रिप्टिव ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड ईच बींग आइडेंटिफाइड बाई ए क्लास नंबर। ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इन टू ए नंबर ऑफ सब क्लासेस। ईच सब क्लास बियर्स ए डिस्क्रिप्टिव टाइटल एंड इज आइडेंटिफाइड बाय द सब क्लास नंबर। द सब क्लास नंबर मे बी एन इंटीग्रल नंबर और मे कॉन्टेन ए डेसिमल पोर्सन और अल्फा करेक्टर्स, है ना। सब क्लास जो है आपको इंटीग्रल नंबर होगा, इट मे कॉन्टेन ए डेसिमल पोर्सन और ए अल्फा करेक्टर। ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सब क्लास रिक्वायर बोथ द क्लास एंड सब क्लास नंबर एंड मे अल्फा एंड डेसिमल डिजाइनेशन ईजी 417/6161.1A आइडेंटिफाई ये क्लास वर 417 सब क्लास ये आपको कर रहा है एंड द यूपीएससी इज अवेलेबल ऑन नेट एट दिस वेबसाइट, है ना। तो यूनाइटेड स्टेट पेटेंट क्लासिफिकेशन जो है आपको यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से वहां से होता है, वहां से क्लासिफिकेशन होता है। वहां पर जो है डाटाबेस रखा जाता है सभी का, जो है डाटाबेस जो है वो रखा जाता है वो सभी पेटेंट का। तो सिमिलरली इंडियन पेटेंट क्लासिफिकेशन है, इंडियन पेटेंट क्लासिफिकेशन इज यूज इन पेटेंट ऑफिस फॉर इंटरनल यूज ऑफ द पेटेंट ऑफिशियल। पेटेंट ऑफिशियल के लिए यूज के लिए आपको यूज किया जाता है। इट इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ओनली प्रिंटेड फॉर्म इज अवेलेबल इन द पेटेंट ऑफिस। ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है इंडियन पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, आपको प्रिंटेड जो है पेटेंट ऑफिस में आपको अवेलेबल है। दिस इज यूज फॉर क्लासिफाइंग द पेटेंट पब्लिक्स बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। ये आपको क्लासिफाई करता है उसी पेटेंट के बारे में जो इंडियन पेटेंट ऑफिस से आपको इशू होता है, उसी के बारे में आपको ये क्लासिफाई करता है ना। पांचवा है DWPI क्लासिफिकेशन सिस्टम। DWPI और sciencethermorouters.com कैटेगराइज पेटेंट डॉक्यूमेंट यूजिंग ए सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ऑल टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्नोलॉजी के लिए यूज करता है। दिस यूनिक क्लासिफिकेशन इज कंसिस्टेंटली अप्लाइड टू द ऑल पैटर्न्स ऑफ द थॉमसन साइंटिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। ये थॉमसन साइंटिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, ये रूटर, ये आपका एक्सपर्ट्स है, उसी से द्वारा किया जाता है। इनेबलिंग इफेक्टिव एंड प्रिसाइज सर्चिंग इन ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ द टेक्नोलॉजी, है ना। पार्टिकुलर एरिया ऑफ द टेक्नोलॉजी में सर्च करने के लिए किया जाता है। पैटर्न्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बोर्ड एरिया, 3 बोर्ड एरिया में डिवाइड किया गया है, केमिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ईच ऑफ दीज इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस एंड क्लासेस विच डिस्क्राइब द टेक्निकल एरिया। विच डिस्क्राइब्स द टेक्निकल एरिया और एरिया कवर्ड बाय द पेटेंट। पेटेंट आर डिवाइडेड इनटू 21 ब्रॉड सब एरियाज ऑफ द सेक्शन। दीज आर डिजाइनेटेड फ्रॉम ए टू एम, केमिकल एंड पी टू क्यू इंजीनियरिंग, एक्स टू एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। दीज सेक्शंस आर देन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्लासेस। ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ द सेक्शन लेटर फॉलोड बाय द 2 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल X22 इज द क्लास डिजाइनेशन फॉर ए ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिक्स
and C04 is a class 4 a chemical fertilizer. When used in combination with the online search terms, e.g. a keyword search, these classes allow you to precisely and effectively restrict your search to the relevant subject area. For example, the otherwise ambiguous word warn can be combined with X22 automotive electrics to retrieve only those references to automatic warning devices. है ना? तो DWP class attendance ले लीजिए. हाँ attendance आपका ले लेते हैं. अभिषेक दुबे 02, आकाश पवार जी 03, आकाश अंकित शर्मा जी 06, हिमांशु जी 17, जितेंद्र राणा जी 23, शेखर जी 41, हृदेश जी 19, जैनेश चौहान जी 22, कौशल जी 25, राहुल चौधरी जी 33, ऋषभ नायक जी 54, इलेवन पार्टिसिपेंट्स हैं. ऋषभ नायक जी 54, राहुल चौधरी जी 33, कौशल जी 25, जैनेश चौहान जी 22, हृदेश जी 19, शेखर जी 41, जितेंद्र राणा जी 23, हिमांशु जी 17, अंकित शर्मा जी 6, आकाश पवार जी 3, अभिषेक दुबे जी 2. इन सभी का अटेंडेंस लग गया. तो ये DWPI क्लासिफिकेशन सिस्टम है. तो ये आपको थॉमसन साइंटिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पे बेस्ड है. ऑल पेटेंट्स थॉमसन साइंटिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स साइंस थॉमसन रूटर्स .com इसी पे आपको बेस्ड है. DWPI क्रॉस क्लासिफाइड इंट्रू टू इंश्योर दैट ऑल पेटेंट ऑफ इंटरेस्ट आर रिट्राइव व्हेन सर्चिंग. कंपनीज ऑफन यूज डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम इन्वेंशन एंड एडिशनल वेरिएशन may be introduced when patent application is translated into the different languages. Also, some keywords can appear in many different contexts within the patent titles. For example, the word valve can be either mechanical or electrical, so a subject classification system is essential for effective patent searching. The classification index is available online. Canadian patent classification. Canadian patent system is based on the US patent classification and developed by the Canadian Intellectual Property Office, WWCPORG. है ना? ये आपको Canadian Intellectual Property Office के द्वारा developed किया गया है और ये जो है based है आपको US patent classification system पे. This system slightly differs from IPC. थोड़ा सा इसका IPC से differs करता है in terms of its function. The technology is separated into three main art categories: chemical, electrical, mechanical arts, forming 340 classification schedules and 37,000 subclasses. Before 1970, only CPC appeared on Canadian patent documents. Between 1978 and October 1989, both CPC and IPC were printed on documents. After October 1989, only IPC appearing exclusively. It is now obsolete and not maintained. है ना? And last है chemical abstract services. The chemical abstract services with its main chemistry specific databases, the CS with its main chemistry specific databases also has its chemistry specific classification system. Every publication patent document on scientific literature is assigned CS registry.
numbers identifying the specific substance or compound. This is also very unique to search the chemistry related literature. A serious examination of classification system reveals that only IPC is very popularly used in most of the databases for assessing patent information. However, EPO and USPTO system are more used in the US and European country. तो ये आपके पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, 7 पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है और इसी के बारे में आज हम लोगों ने स्टडी किया है ना, पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द प्रैक्टिस. पेटेंट को क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रैक्टिस में रखने से पेटेंट को बारे में सर्च करना है, जानकारी लेना है, किसी पेटेंट की जानकारी लेना है तो फिर उसमें आसान हो जाता है. उसमें एक क्लासिफिकेशन करके सैंपल दे देते हैं, सैंपल कर देते हैं तो उसको सर्च करना आसान हो जाता है. तो ये आपको पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको बनाया गया है, जिसमें कि पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको क्लासिफाई करके एक कैटेगरी में रख देते हैं, एक कैटेगरी में रख देते हैं और एक कैटेगरी में रख करके पेटेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसमें आपको सर्च करने में आसानी हो जाती है ना. पेटेंट सिस्टम में आपको पेटेंट क्लासिफिकेशन का आपको इम्पोर्टेंस है. द मेन सिस्टम यूज यूनिवर्सली ओवर द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, ये आपको यूज करता है. तो मेन पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज टू फैसिलिटेट द सर्चिंग एंड डिट्राइविंग ऑफ द पेटेंट डॉक्यूमेंट बाय द पेटेंट ऑफिस एंड अदर यूजर्स. ये होता है अटेम्प्ट टू प्रिवेंट ड्रोनिंग ऑफ द फ्लड ऑफ द पेटेंट लिटरेचर बाय डिजाइनिंग ए क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्टेड ओवर 100 ईयर्स एगो, है ना. तो ये आपको पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में आज हम लोगों ने 7 क्लासिफिकेशन सिस्टम ये हम लोगों ने स्टडी किया. पहला था इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, है ना. तो इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन इस्टैब्लिश्ड बाय द स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट 1971 प्रोवाइड्स फॉर ए हायरार्किकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सैम्पल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पेटेंट एंड यूटिलिटी मॉडल्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी टू विच दे पर्टेन. मेनी पेटेंट अथॉरिटी यूज टू क्लासिफाई एंड इंडेक्स द सब्जेक्ट्स ऑफ द published patent literature currently use the IPC system. IPC is published and monitored by the WIPO and was first published in 1968. It is a sole international classification system used by Canada, European Patent Office UPO and 80 other countries including US. US use the IPC code to classify patents as a secondary code along the US classification code as primary code. IPC is highly application oriented system due to the multiplicity of the application type places in the schedules. The current version of the IPC 7th divides technology into 8 main subsections, 118 classes, 624 subclasses or over 67,000 subgroups. The version of the IPC are amended in every 5 years by an international committee of the experts. The classification system of the IPC is available open source on the internet. आपको इस पे आपको available है international patent classification का WIPO में आपको सारा चीजें, आपको इसमें सारा चीजें available है and can be available on the CD-ROM as well as hard copy on the payment. IPC used for searching databases, hence this is a very important access point for the searcher. Searcher के लिए जो है ये very important database है. ये एक database है जो कि आपको सभी जगह use होता है ना. तो international classification system used by Canada, European Patent Office and 80 other countries including the US. US को इंक्लूड करके और भी 80 कंट्रीज ये सारा इसको यूज करते हैं. तो इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम ही जो है सबसे जो है बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको यूज होता है ना. फॉर द फर्स्ट 7 एडिशंस
of the IPC, the classification was updated approximately every 5 years. में इसको अपडेट करते हैं. From the 8th edition, which came into force in 2006, the classification has been divided into core advanced levels, and the core level is updated on a 3-yearly basis. The advanced level provides more detailed classification and is updated more frequently to suit the new subject coverage. At present, 209 edition is available on the internet. The detailed classification code is available on internet on the following links. Pe available hai. In the IPC system, the knowledge intellectual technology is divided into 8 key or main areas. They are A, gender, hai na? A for the human necessity, B for the performing operations, transport, C for the chemistry, metallurgy, D for textile and paper technology, E for the fixed construction, mechanical engineering and lighting, physics, heating, weapons, H for the electricity. Among these main sections, the subjects are again divided into subgroups. This method helps to classify and research disclosure into the proper technological or research area in deep or the minute level. ये आपको जो है deep minute level में आपको search करने में आपको help करता है. Each classification term consists of a symbol such as A01, B100, which represents the subject hand tools. The first letter is the section symbol consisting of a letter A, human necessity, and H for the electricity. This is followed by a 2-digit number to give a class symbol. A01 represents agriculture, forestry, animal husbandry, trapping and fishing. The final letter makes the subclass. A01B represents soil working in agriculture or forestry, parts, details or accessories of agriculture machines or implements in general. The subclass is then followed by 1-3-digit group number, an oblique stroke, and a number of at least 2 digits representing a main group or subgroup. A patent examiner assigns a classification to the patent application or other document at most detailed level, which is applicable to edge contents. है ना, ये आपको international patent classification था. दूसरा है European patent classification. ये आपको यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा जो है ऑपरेट होता है. इंटरनल करेक्शन और सर्च डॉक्यूमेंटेशन ये आपको दिया हुआ है, वेबसाइट आपको दिया हुआ है. द ACLA क्लासिफिकेशन सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसी का एक्सटेंशन है ना. तो EPA, EPCLA, ECLA उसी का आपको जो है आपका एक्सटेंशन है. इट कंटेंस 1,35,006 सब डिवीजन आई अबाउट 6,000 मोर देन आईपीसी. आईपीसी से भी ज्यादा जो है इसमें सब डिवीजन किया गया है एंड इज देयरफॉर मोर प्रिसाइज. ईसीएलए जो है आपको आईपीसी से ज्यादा प्रिसाइज है, मोर होमोजीनियस है एंड डिटेल्ड एंड मोर सिस्टमेटिक, लाइक इंटरनेशनल पैटर्न क्लासिफिकेशन के से ज्यादा होमोजीनियस है. ECLA classification are assigned to the patent document by the EPO examiner in order to facilitate prior art searches. ECLA is revised continuously and the corresponding documentation is reclassified. The ECLA classification symbol is made of a letter denoting an existing IPC class followed by a number 2-digit denoting the IPC section level B65. Option is the classification can be followed by a sequence of letter B65D. Do not think the IPC subclasses level. A number variable 1-3-digit, e.g. B65D81. Denoting the IPC group level, a forward slash and a number variable 1-3-digit. Denoting the IPC subgroup for full classification. Option E, the classification can be followed by a ECLA subgroup represented by a letter, which can also be followed by a digit and a letter.
B65, D81, 00, B1B or A23, B4, 005, F4. This classification system is used to classify patents on ESP. Sent and such information on ESP sent database by adding the term in EC classification field. Around 28 million documents can be searched in this ECLA samples, sometimes dating back to the 1836, depending on the country of origin. Isme you have search kar sakte. Teesra classification system tha United States Patent Classification. Hai na? USPC is a national classification system managed by the US Patent Office and Trademark Office. And international importance is given by the US patent system and has many similarity with the Canadian patent classification system. Isme Canadian patent classification system se kai similarities hain. It is based system to search US patent. US patent ko yahan pe search karna aasan hota hai. The US PTO examiners use the US classification system as a primary classification tool. The system is used for subject search of US patent dating back to 1790. The US classification is only applied to the US patent specification and cannot use to conduct an international search. The system is used to search on the database which are dedicated to the US patents and some free searches on the internet. The manual is available online as well as in the print form. Hai na? The system consists of the three main categories: chemicals, electricals, mechanicals, and from about 400 classes, which are divided into 125,000 individual subclasses. Ye aapko diya hua hai. There are over 400 classes in the US patent classification system, which having a little descriptive to each subject matter, and each being identified by a class number. Each class is subdivided into a number of the subclasses. Each subclass bears a descriptive title in identified by a subclass number. The subclass number may be an integral number or may contain a decimal portion or alpha character. A complete identification of a subclass requires both the class and subclass number and may any alpha or decimal designation. E.g. 461 identified class 417 subclass 161. The UPSC is available on the net at this one. Fourth one is the Indian patent classification. Indian patent classification is used in patent office for internal use of the patent official. It is not available on internet. Ye aapko available mein aapko internet pe nahi hai. Only printed form is available in the patent office of the India. This is used for classifying the patent published by the Indian patent office. Indian patent office jo use karta hai, usi ke bare mein aapko ye aapko classify karta hai. Hai na? Panchwa hai DWPI classification system. Ye aapko all patents by Thomson Scientific Subject Experts, है ना? ThomsonScienceRouters.com. इसके categorize patent documents using a simple classification system for all technology. इसको use करता है. This unique classification is constantly applied to the all patents. सभी patents के लिए ये लागू होता है. और by the Thomson Scientific Subject Experts, enabling effective and precise searching in a particular area of technology. एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी में खोजने के लिए आपको ये आपको DWPI क्लासिफिकेशन सिस्टम ये आपको बनाया गया है. पेटेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री बोर्ड एरियाज. तीन बोर्ड एरिया में डिवाइड किया गया है: केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. ईच ऑफ दीज देन फर्दर डिवाइडेड इंटू सेक्शंस एंड क्लासेस विच डिस्क्राइब द टेक्निकल एरियाज और एरियाज कवर्ड बाय द पेटेंट. Patents are divided into 21 broad subject areas or sections. These are denoted A to M, that is chemical, P to Q, engineering, and S to X, electronics, electronics, and electrical. These sections are then further subdivided into classes. Each class consists of the section letter followed by the two digits. For example, X22
is the class designation for the automotive electrics, and C4 is the class for all chemical fertilizers. When used in combination with other online search terms, a keyword search, these classes allow you to precisely and effectively restrict your search to the relevant subject area. For example, the otherwise ambiguous word warn can be combined with the X22 automotive electrics. To retrieve only those references to the automatic warning devices, DWPI cross-classify entry into the all patent entry into the when searching. Next class में आपका टेस्ट होगा essence of Indian knowledge tradition का.